अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट में नवविवाहित प्रेमी युगल ने अजमेर एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। नसराबाद रोड स्थित बीर गांव के रहने वाले मोहनदास व गुड्डी ने परिवार को बताए बिना शादी कर ली, जिसके चलते दोनों को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी है। मोहनदास का कहना है कि वे गुड्डी को 7 वर्ष से जानता है और उससे प्यार करता है, लेकिन यह प्यार दोनों ही परिवारों को पसंद नहीं है, जिसके चलते उन्होंने शादी से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कोर्ट में मंदिर में जाकर शादी कर ली, जिसकी जानकारी गांव वालों के साथ साथ परिवार वालों को भी लग गई। गांव वालों का कहना है कि एक ही गांव के होते हुए दोनों ने शादी कर ली, जो कि गलत है। ऐसे में परिजन और ग्रामीण दोनों ही उनकी शादी के खिलाफ हैं, इससे दोनों को सुरक्षा का खतरा है। इसी की जानकारी देने के लिए आज अजमेर एसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। जानती हूँ, एक साथ ही पढ़े हम स्कूल में। शादी कब करी आपने? ये 3 जून। किस जगह करी? अजमेर में करी। आज कितने मिलने आए हैं? ये तहसील एसपी साहब से। किससे खतरा आपको? घर वालों से। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, एक गांव में इसलिए शादी के लिए मान नहीं रहे थे, तो बोले कि एक गांव में नहीं। घर वालों से खतरा है, इनके घर वालों से? दोनों से ही। दोनों के घर वाले नहीं माने? हमने यहाँ पे अजमेर में शादी करी है। किससे खतरा है आपको? घर वालों से। घर वालों से। आज किससे मिलना है? एसपी साहब से मिलने आए थे। क्या जाति है आपकी? नात है। कितने साल से आप इनको डालते जानते हो? 7 साल से। तो आपका कहाँ से हुआ ये? स्कूल गांव में। गांव में। हाँ। तो आपको किससे क्या खतरा है? घर वालों से और उससे किसी से नहीं। इसके घर वालों से, मेरे घर वालों से। धमकी तो अभी तो किसी ने दी नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि पुलिस वाला हमारी सहायता करे। इनका नाम क्या है? गुड्डी जोगी है। और आपका? मोहननाथ है। नहीं, सेम जात है। और तो कोई नहीं, वो गांव वाले बोलते हैं एक गांव में दोनों शादी नहीं कर सकते। आज किससे मिलना है आप? एसपी साहब से मिलना है।